हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मॉम स्टोरी बाय जाना। अडॉप्शन के हिंदी एपिसोड्स में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का जो ये टॉपिक है ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और लेकिन काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि आपने एक बार जब बच्चे को रिजर्व कर लिया है तो उसके बाद जब आप बच्चे को लेने जाते हैं, मतलब फोस्टर कस्टडी के लिए आप जब लेने जाते हैं, तो उस टाइम पे एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग को कहते हैं एडॉप्शन कमिटी मीटिंग। तो ये मीटिंग क्यों होती है और इस मीटिंग में किस किस का रहना जरूरी है, तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगी। इससे पहले कि हम ये समझें कि एडॉप्शन कमिटी मीटिंग क्यों होती है, हम ये समझ लेते हैं कि एडॉप्शन कमिटी में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो एडॉप्शन कमिटी में स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी यानी कि सा का एक इंचार्ज होता है। उसके अलावा होता है एक डॉक्टर होता है जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, जो वहाँ के सा के जितने भी बच्चे होते हैं उनको जो देखभाल करता है या फिर उनकी जो चेकअप वगैरह करता है इन मेडिकल टर्म्स में, तो वो एक डॉक्टर होता है। तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का इंचार्ज यानी कि DPO का होना जरूरी है। तो इन जनरल जहाँ पे स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसीज हैं वहां पे तो इन तीन लोगों का होना बहुत जरूरी है। इन तीनों के रहने से एडॉप्शन कमिटी की मीटिंग हो सकती है। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी नहीं है बल्कि एक चाइल्ड केयर यूनिट है, तो उन केसेस में जहाँ पे स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसीज नहीं है तो वहां पे अगर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड केयर यूनिट है तो उन केसेस में चाइल्ड केयर यूनिट के एक मेंबर का होना जरूरी है। तो मतलब जहां पे स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है वहां पे चाइल्ड केयर यूनिट का एक एग्जीक्यूटिव नियरेस्ट जो भी डिस्ट्रिक्ट में जो स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी होगा उसका इंचार्ज एक डॉक्टर और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन जो यूनिट है वहां का DPO का होना जरूरी है। तो ये तीन या चार लोगों की एक कमिटी होती है जिसको एडॉप्शन कमिटी कहा जाता है। तो अब आ जाते हैं कि इस एडॉप्शन कमिटी के मीटिंग में क्या होता है। एडॉप्शन कमिटी के मीटिंग में मेनली ये डिस्कस होता है कि क्या प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स यानी कि जो होने वाले पेरेंट्स हैं जो बच्चे को गोद ले रहे हैं क्या वो एलिजिबल हैं कि उस बच्चे की वो परवरिश कर सकें। हालांकि HSR में सारी चीजें ऑलरेडी कवर की गई होती हैं, लेकिन जब बच्चा गोद लेने की बारी आती है उस समय जो है एजेंसी का ये अश्योर होना बहुत जरूरी होता है कि जो भी माँ बाप बच्चे को गोद लेके जा रहे हैं वो उस बच्चे का अच्छे तरह से परवरिश करें। तो यहाँ पे ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं होता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, कि डरने की बात नहीं है कि क्या सवाल पूछ लिए जाएंगे। तो बेसिकली एक जनरल डिस्कशन होता है कि पेरेंट्स के एटीट्यूड को लेके कि वो गोद लेने के बारे में क्या सोचते हैं, फैमिली का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में थोड़ा सा पूछताछ होता है, इनकम के बारे में बात होती है, उनके शादीशुदा जिंदगी की रिलेशनशिप के बारे में बात होती है। तो जो भी HSR में जिस तरह से मतलब होम स्टडी में जिस तरह से सोशल वर्कर जो है बातचीत करते हैं, सिमिलरली जो है एडॉप्शन कमिटी की जो मीटिंग होती है उसमें भी ऐसी ही बातें होती हैं। तो एडॉप्शन कमिटी के मीटिंग में ये देखा जाता है कि क्या पेरेंट्स तैयार हैं बच्चे को गोद लेने के लिए, और एट द सेम टाइम अगर बच्चा बड़ा है मतलब उम्र में, जैसे कि अगर 4 से 5 साल के ज्यादा का उम्र का बच्चा है तो बच्चे से भी पूछताछ की जाती है क्या वो जाना चाहता है, क्या वो रेडी है इस चीज के लिए। तो ये है क्या एडॉप्शन कमिटी की मीटिंग में यही चीजें होती हैं। तो इसके अलावा कुछ पेरेंट्स ने ये सवाल पूछा है कि जब हम बच्चे को रिजर्व कर लेते हैं और उसके बाद जब हम स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी में जाते हैं मतलब सा में जाते हैं एडॉप्शन के लिए, क्या उस टाइम पे हम अपने मतलब हिसाब से मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं क्या? जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो एजेंसी के थ्रू दिया हुआ मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो क्या हम मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं? तो देखिए ये एजेंसी टू एजेंसी डिफर करती है और केस टू केस डिफर करता है ये बात, लेकिन फिर भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट से तो आपको एजेंसी से परमिशन लेना होगा और एट द सेम टाइम कारा में भी आपको एक बार बात करना पड़ेगा। जो भी उस स्टेट का कोऑर्डिनेटर है वो आपको इस बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे पाएगा कि किस तरह से जो है आप अपने हिसाब से मेडिकल टेस्ट जो है बच्चे का करवा सकते हैं।
मना ही नहीं है इसके लिए कि आप नहीं करवा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरह के मेडिकल टेस्ट करवाना चाहते हैं, क्योंकि जो कुछ भी कारा के थ्रू एक फॉर्मेट में दिया हुआ है उसके अलावा जो है आप कोई भी टेस्ट नहीं करवा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो भी प्रिस्क्राइब मेडिकल टेस्ट कारा के थ्रू दिए गए हैं उसके अलावा आप और कोई मेडिकल टेस्ट नहीं करवा सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आप मेडिकल टेस्ट करवाना चाहें तो ये एक सलाह है कि आप कारा के स्टेट कोऑर्डिनेटर से बात करिए और अपने जो भी स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी में आपने बच्चा रिजर्व किया है उनसे भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपको अगले एपिसोड में और भी डिटेल में कुछ बातें बताऊंगी कि जो MER CSR जो रिपोर्ट्स होते हैं ये रिपोर्ट्स कैसे होते हैं, क्यों होते हैं और किस तरह से इन रिपोर्ट्स को बनाया जाता है, इस बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देखते रहिए मॉम स्टोरी बाय साना, क्योंकि इसमें मैं आपके लिए लेके आऊंगी एडॉप्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव बातें। धन्यवाद, नमस्कार।